यहाँ आप देख सकते हैं, अभी हम NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर हैं। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है NIOS का। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये एक नोटिफिकेशन है 1903/2020 को रिलीज किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, चलिए हम अभी पढ़ते हैं। इन कंप्लायंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइट डेटर नंबर दिस डेटेड 18th March 2020 द फॉलोइंग इज हियर बाई नोटिफाइड। फर्स्ट, ऑल ऑनगोइंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स पब्लिक एग्जामिनेशन हेल्ड एट एग्जाम सेंटर्स अक्रॉस इंडिया शेड्यूल्ड बिटवीन 19/3/2020 एंड 31/3/2020 बोथ डेज इंक्लूसिव स्टैंड्स पोस्टपोन्ड। रिवाइज डेट शैल बी इंटीमेट आफ्टर रीअसेसमेंट ऑफ सिचुएशन। मतलब कि जितने भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाले थे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स के, वो सब एग्जाम्स पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं। और आपको और हमें ये भी पता है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण से पूरे देश भर में और दुनिया भर में बहुत चिंता जताई जा रही है। इसके रोकथाम के लिए काफ़ी हर देश और हमारा देश भी कोशिश कर रहा है। तो सिचुएशन देखने के बाद ही रिवाइज डेट्स जारी किया जाएगा, इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है। और दूसरा जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं। ऑल ऑन डिमांड एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन 1903/2020 till 33/2020 both days inclusive also stands postponed with the rescheduled date shall be communicated later। मतलब कि जितने भी ऑन डिमांड examinations होते हैं वो सब भी postponed कर दिया गया है, और ये बाद में students को बताया जाएगा कब इसको exams को लिया जाएगा। तीसरा है, all theory examinations of secondary and senior secondary course public examinations Scheduled between 24/3/2020 to 31/3/2020, both days inclusive, across India, also stands postponed. The fresh date shall be intimated after reassessment of situation. मतलब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स के जितने भी थ्योरी एग्जाम्स होने वाले थे वो भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। फ्रेश डेट्स ये बाद में आपको बता दिया जाएगा कब सिचुएशन को देखते हुए रीअसेस जब किया जाएगा उसके बाद ही ये जारी किया जाएगा। चौथा है, द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ओवरसीज लर्नर्स हैज ऑलरेडी बीन पोस्टपोन्ड। द रिवाइज्ड शेड्यूल शैल बी इंटीमेटेड आफ्टर द असेसमेंट ऑफ सिचुएशन इन ओवरसीज सेंटर्स। जो बाहरी देशों में NIOS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका तो एग्जाम पहले से पोस्टपोन कर दिया गया था, उनके बारे में भी ये बोला जा रहा है कि वो बाद में उनको बताया जाएगा। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अभी आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हालात किस लेवल पर हैं हम इस बात पर पता लगा सकते हैं कि जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 19/3/2020 को, उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे देश को संबोधित किया। चलिए चलते हैं और सुनते हैं प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। आमतौर पर कभी जब कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सीमित रहता है, लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बीमारी से हैं। एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के
दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। ऐसी स्थिति में जब इस बीमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना यह सबसे पहली आवश्यकता है। इस बीमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवार्यता है, वो है संयम। और संयम का तरीका क्या है? भीड़ से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना, आजकल जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है। हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही मार्केट में घूमते रहेंगे, सड़कों पर जाते रहेंगे और कोरोना से बचे रहेंगे, मैं समझता हूं ये सोच सही नहीं है। ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। दो दिन के बाद 22 मार्च को, 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे।